हमारा मन कोई काम करने का ना हो या फिर हमारा मन अशांत हो तो तब हमें क्या करना चाहिए? पहले समझते हैं कि ऐसा कौन कौन से कंडीशंस में होता है। या तो फिर आप मेंटली या फिजिकली किसी इलनेस, या हो सकता है आप मेंटली या फिजिकली उतने 100% फील ना कर रहे हो। फॉर एग्जांपल गर्ल्स के केस में पीरियड्स के टाइम पे पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के कारण, या फिर बोर्डम या मोनोटोनी के कारण आप एक ही काम को लगातार कई दिनों से कर रहे हो और अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आप तंग आ चुके हो, उब चुके हो। बर्नआउट के कारण, बर्नआउट तब होता है जब आप बहुत काम कर चुके हो किसी प्रोजेक्ट में या अपने ऑफिस में या कुछ एक किसी भी एक क्षेत्र में आपको बहुत काम करना पड़ा, या अगर हाउसवाइफ की बात करें तो उसके घर में काफ़ी दिनों से मेहमान आ रखे होते हैं और उसको काफ़ी घर के कामों में लगे रहना पड़ा हो और अब वो इतना थक चुकी है कि मेंटली फिजिकली कि अब उसको लगता है अब मैं और नहीं कर सकती कुछ। या फिर आपके किसी के साथ कुछ अनबन हो गई हो, मनमुटाव हो गया हो और आप दुखी फील कर रहे हैं, और भी इसी तरीके के कई सारे कारण हो सकते हैं जब आपको लगे यार अब मेरा मन ना कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। अब ये तो थे कुछ कारण, बात आती है कि अब क्या करें। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने मन के हिसाब से नहीं चल सकते क्योंकि कुछ आपके सामने एक्टिविटीज़ या टास्क ऐसे होते हैं जिनको आपको करना ही होता है। और कई बार ऐसा होता है कि ठीक है मैं छुट्टी ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, बट फिर भी मैं अशांत मन के साथ तो नहीं रह सकती, मुझे इस एंजाइटी से छुटकारा पाना है, मुझे एंशियस इमोशन से न्यूट्रल में आना है, नॉर्मल होना है। तो हम कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे कि हम अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आ सके। देखो एक बात समझ लो कि एंशियस से एकदम से आप जॉयफुल मूड में तो नहीं आओगे, पर एंशियस से आप न्यूट्रल माइंडसेट में आओगे तो अपने आप फिर आप जॉयफुल मूड में भी आ जाओगे। क्योंकि जब आप एंशियस होते हैं तब आप बहुत ही एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं और उस कारण आपको ना तो सॉल्यूशंस दिखते हैं और ना आपको किसी की बात सुनने का मन होता है, ना उस समय आपको शांति फील हो रही होती है। तो पहले पीसफुल हो जाइए, जॉयफुल तो आप अपने आप ही हो जाएंगे। तो जानते हैं एक एक करके कि कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने माइंड को, स्टेट ऑफ माइंड को न्यूट्रल मोड में ला सके, ताकि या तो जो ज़रूरी काम है उसको आप कर सके कंप्लीट, या फिर आप अगर आराम कर सकते हैं तो अपने मन को शांत स्टेट में लेके आ सके। पहला, आप अपने मतलब अपने रूम में एक जो एरोमा ऑयल डिफ्यूज़र होता है जो कि आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाता है 200 रुपये के या 300 रुपये के अंदर, उस सेरेमिक का आता है और उसके साथ आपको टी लाइट्स लेनी पड़ेंगी, तो उसको अपने पास रखिए। मेरा ये रिकमेंडेशन है, वो एक इन्वेस्टमेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। स्पा या किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट में या कहीं जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी वो लोग आपसे कई सारे पैसे लेके यही सारे टोटके करते हैं, आपके आसपास थोड़ी फ्रेग्रेंस वगैरह जला देते हैं, और हाँ वो अपने और भी तरीके मेडिटेशन या मसाज या ये सारी चीज़ें करते हैं, पर उसमें उसके मुकाबले आप अगर खुद इस एक टूल में इन्वेस्ट करेंगे तो आप रोज़ उस मतलब रेगुलरली आप उस फीलिंग को ले पाएंगे। तो उस को ले खरीद के आप जिस भी दिन आपका माइंड लो, मतलब लो फील कर रहा हो, तो आप कोई भी अच्छा सा फ्रेग्रेंस के कुछ ड्रॉप्स डाल के उसको टी लाइट बर्न करिए उस डिफ्यूज़र में, पानी ऐड करके, मतलब पानी के साथ डालना है सिर्फ, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्या कहते हैं फ्रेग्रेंस के ड्रॉप्स ऐसे ही डायरेक्टली डाल देंगे। और फिर उसके बाद जो कमरे का जो पूरा माहौल है वो इतना ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्योंकि जो स्मेल एक सेंस है हमारा, सेंस ऑर्गन, मतलब स्मेल की जो सेंसेशन है उससे हमारे माइंड में बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम किसी गंदी स्मेल को सूंघते हैं, जैसे बदबू हो, तो एकदम से हमारा मुंह बनने लगता है और हमें अच्छा नहीं, वहाँ से भागने का मन होता है। तो वैसे ही अगर हम कोई बहुत अच्छी प्लेजेंट स्मेल को सूंघेंगे और उसके वातावरण में रहेंगे तो उससे हमारी ऑरा में, हमारे मेंटल स्टेट में शिफ्ट आता है। तो एक काम तो ये करिए। दूसरा, आप कोई बहुत ही स्लो और कामिंग म्यूजिक लगा के रख सकते हैं, और इसमें कोई लिरिक्स या ऐसा कुछ नहीं है, लो मतलब जैसे ऐसे कई सारे आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे जहाँ पे ब्रेन वेव्स और
जो आपके माइंड को काम कर दे, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन लेवल्स को हाई कर दे, इस तरीके के कुछ म्यूजिक अवेलेबल होते हैं। उसको आप अपने ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके, या अगर आपके फोन में ही तेज आवाज आती है तो उसको चला के रखें, कान में मत लगाना, उसको चला के रखें और अपना काम कर सकते हैं, या आपको सोना है तो आप सो सकते हैं उसको लगा के। तीसरा है, आप बहुत ही थकान अगर फील कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है पहले 2 स्टेप करके आप अपने बेड में आराम से सो जाइए। सो नहीं सकते तो आंख बंद करके लेट जाइए, उससे आपका जो परेशान माइंड है और बॉडी जो अभी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब कि कुछ एक्टिविटी करने में उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो बेहतर है कि उसको रेस्टिंग पोजीशन में लेके जाया जाए ताकि वो न्यूट्रल हो पाए, और बस लेटे रहिए और उस म्यूजिक को सुनते रहिए। चौथा आता है कि आप वॉक पे जा सकते हैं, लेकिन एकांत में, ऐसा नहीं कि किसी के साथ गप्पे मारते मारते जा रहे हैं, चाहे तो छत में चले जाएं या आपके आसपास कोई मतलब गार्डन है या कहीं है उधर जाएं। और वॉक करने से ये होगा कि आपकी बॉडी मूवमेंट में रहती है और आप बस साइलेंटली वॉक कर रहे हैं और आसपास के जो सीनरी है या जो भी दृश्य है उसको देखते हुए जा रहे हैं, सिर्फ मतलब साक्षी भाव से। ऐसा नहीं कि आप वहाँ बैठ के जजमेंट कर रहे हैं या किसी के साथ बातों में लग जा रहे हैं, बस अपना वॉक चलते जा रहे हैं। फिर पांचवा आता है कि आप कोई गाइडेड मेडिटेशन लगा के, कोई भी अच्छा सा गाइडेड मेडिटेशन जिससे आपको लगता है कि अच्छा फील होता है, उसको लगा के लेट जाइए। या फिर कोई मंत्रा है, कोई बहुत अच्छा सा मंत्रा, ऐसा नहीं कि जिसमें बहुत तड़कता भड़कता और बिल्कुल आपको आपके मूड को ऊपर नीचे करें, कई सारे ऐसे रिकॉर्डेड होते हैं जिसमें थोड़ा सा मतलब काम हो वो सुनने में, उस मंत्रा को लगाइए और सुनते रहिए। अगर आप माला जपते हैं तो माला जप सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि अपने अशांत मन को आप शांत की ओर, शांति की ओर लेके जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे दिन हम सबकी लाइफ में आते हैं जब हमें लगता है कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हूँ या हो रहा हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने माइंड को कैसे अलाइन करूँ। और एक और काम ये भी कर सकते हैं कि जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ना ज़रूरी ही है, या आप कोई काम करते हैं, आप कंप्यूटर में कोई आपका काम करना है, प्रोजेक्ट करना है, तो भी आप वही सारे स्टेप्स करते हुए अपना काम कर सकते हैं। मतलब आप फ्रेग्रेंस डिफ्यूज़र में बर्न करके और म्यूजिक लगा के, कोई भी उसको लगा के अपना जो है काम करते रहिए, क्योंकि म्यूजिक में कोई लिरिक्स नहीं होते, सिर्फ वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा। और आप अपना स्टडी में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका माइंड एक चैटर उसमें रहता है, मतलब चैटर मोड में जहाँ वो बहुत बकवास कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आप कोई काम में फोकस करेंगे तो वो लगने नहीं देगा, बट आपने बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें लगा दी है तो उससे आपके माइंड को जो है एक टोटल डिस्ट्रैक्शन मिल जाएगा, और आप जो काम कर रहे हैं ना उसमें भी आपका फोकस धीरे धीरे आने लगेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने अपना काम भी कंप्लीट कर लिया है, या आप रेस्ट नहीं कर पा रहे तो आपने रेस्ट भी ले लिया है और आप नॉर्मल हो गए हैं, आपका माइंड नॉर्मल स्टेट में आ गया है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप अपने दिन को बेहतर कर सकते हैं, उन दिनों को जब आपको कुछ करने का मन नहीं करता, जब आपका मन अशांत होता है, तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी हार्ट 11 11 को देखते रहिए। थैंक यू।